वेलकम स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मनोविज्ञान के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बुद्धि के अलग अलग सिद्धांतों की। आज हम बात करेंगे बुद्धि का एक फैक्टर सिद्धांत, बुद्धि का द्वि फैक्टर सिद्धांत यानी एक कारक सिद्धांत तथा द्वि कारक सिद्धांत की बात करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आज हम किसी कारणवश व्हाइट बोर्ड और मार्कर का यूज़ नहीं कर पाएंगे, परंतु ये भी मैं क्लियर करता हूँ कि इसकी वजह से आपको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक बिने ने दिया था। उनका पूरा नाम था अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने वही मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मनोविज्ञान का प्रथम परीक्षण या टेस्ट बनाया था। अल्फ्रेड बिने ने मनोविज्ञान में पहला बुद्धि का सिद्धांत दिया, जिसे यूनिफैक्टर थ्योरी, वन फैक्टर थ्योरी या बुद्धि का एक कारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अल्फ्रेड बिने ने इस सिद्धांत में बताया कि बुद्धि में एक ही कारक होता है और वह कारक है सामान्य बुद्धि। क्या बताया? बुद्धि में एक ही कारक पाया जाता है और वह कारक कौन सा है? वह कारक है सामान्य बुद्धि। अल्फ्रेड बिने ने इस सामान्य बुद्धि को बताया कि यह सामान्य बुद्धि बच्चे में जन्म से ही आ जाती है। यह सामान्य बुद्धि बच्चे में जन्म से ही आ जाती है, परंतु समय के साथ साथ अल्फ्रेड बिने का यह सिद्धांत नहीं चल सका, यानी यह सिद्धांत मान्य नहीं हुआ। उन्होंने यह सिद्धांत देकर बुद्धि के नए सिद्धांतों की खोज का आधार बना दिया। इसी के आधार पर अगले मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत में स्पीयरमैन ने बताया कि बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी है। कौन कौन से दो कारक? जी कारक तथा एस कारक। जी कारक का मतलब है सामान्य बुद्धि या सामान्य कारक। एस कारक का मतलब है विशेष बुद्धि या विशेष कारक। सामान्य बुद्धि बच्चे में जन्म से ही होती है, जैसा कि बिने ने भी बताया था, परंतु विशेष बुद्धि क्या है? विशेष बुद्धि वह बुद्धि है जो बच्चा जन्म के बाद अपने आसपास के वातावरण, इन्वायरमेंट से सीखता है या प्राप्त करता है। जैसे सामान्य बुद्धि में हम कह सकते हैं कि बच्चे में रीजनिंग कैपेसिटी होती है, रीजनिंग एबिलिटी होती है, परंतु विशेष में वो क्या सीखता है? जैसे बच्चे ने म्यूज़िक सीख लिया, बच्चे ने कोई पायलट बन गया बच्चा, हवाई जहाज उड़ाना सीख लिया, ये सारे विशेष कारक हैं। तो स्पीयरमैन ने बताया कि सामान्य कारक जितना अधिक स्ट्रांग होगा, विशेष कारक उतना ही ज़्यादा सीखे जा सकते हैं। उन्होंने सामान्य कारक को किसी भी बिल्डिंग की नींव की तरह बताया। अगर नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग उतनी ही ऊंची जा सकती है। तो उन्होंने सामान्य कारक को बिल्डिंग की नींव बताया। नींव मजबूत तो बिल्डिंग ऊंची। तो उन्होंने बताया कि सामान्य कारक जितना अधिक मजबूत होगा, यानी बच्चे में जन्म से जितनी अधिक सामान्य बुद्धि आई है, वह उतने ही अधिक विशेष कारक सीख सकेगा। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। उम्मीद है आप सबको समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।